अब हम लोग इस थ्योरम के आधार पर ये प्रूफ करेंगे कि जो रूट थ्री है वो इरेशनल नंबर है। इसका अगर हम ठीक उल्टा देखें तो हमें ये प्रूफ करना है कि रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा साबित करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में होता क्या चीज़ है कि हम सब कुछ पहले बताते हैं कि हाँ जो हम लोग कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, और फाइनली लास्ट पे जाके ये कहते हैं कि जो कुछ भी हमने कहा या किया वो सब गलत है। तो पहले हमें इसे रैशनल नंबर के नज़रिए से देखना होगा, और तब हम ये जाके चेक कर पाएंगे कि ये रैशनल नंबर के कंडीशन पर फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर रैशनल नंबर के कंडीशन को ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस कि ये इरेशनल नंबर है। और इस थ्योरम का भी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारा रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हम वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी इंटीजर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, तो अगर हम किसी भी इंटीजर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे जबकि हमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि रैशनल नंबर के लिए जो इंटीजर्स होने चाहिए उसको हम p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए का अर्थ है कि q मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम नॉट डिफाइंड कहा करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 4/7, तो p के जगह पर 4 आ गया और q के जगह पर 7 आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, और इस इंटीजर को हमने p by q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं 8/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि p के जगह पर 8 तो है, लेकिन q के जगह पर मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 दिया हुआ है, जो कि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 8 से 0 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 0 से 8 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नॉट डिफाइंड है। और ऐसा हम पॉसिबल कर सकते हैं। हमें ये बात समझ में आ जाती है कि रैशनल नंबर होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी इंटीजर को p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 9/27। क्या आपको लगता है कि ये आपका रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे p के जगह पर है 9/q के जगह पर है 27, तो आप कहेंगे कि p by q के फॉर्म में है, where q is not equal to 0 है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो एक कंडीशन हमने देखा कि रैशनल नंबर होने के लिए p by q के फॉर्म में लिखा होना जरूरी होता है, where q is not equal to 0। लेकिन एक पॉइंट और हमें दिमाग में रखना है जो हम 10th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। p और q जो होना चाहिए ये आपका को प्राइम होना चाहिए। अब ये को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे देखिए 9/27 है मेरे पास, तो अगर मैं अभी 9 को ले लूं तो 9 को हम किन किन चीजों से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 3 से और 9 से। अब 27 को मैं ले लेता हूं, 27 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से,
3 से, 9 से और खुद 27 से। तो आप देखिए इन सब में से कॉमन फैक्टर जो है हमारा कॉमन फैक्टर है वो देखिए कि 9 को डिवाइड करने वाला 1 है और 27 को भी 1, 9 को डिवाइड 3 भी कर सकता है और 27 को भी 3 डिवाइड कर सकता है, 9 को 9 खुद डिवाइड कर सकता है और 27 को 9 डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों में से ये क्या हो गए, कॉमन हो गए कि 1 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और 9 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं होगा, को प्राइम उसे कहते हैं जब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, जबकि यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। और कितने कॉमन फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3। तो जबकि रैशनल नंबर होने के लिए कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए और एक ही फैक्टर होना चाहिए। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, 13/17। अब देखिए 13 को डिवाइड कौन करेगा, 1 और 13। 17 को डिवाइड कौन करेगा, 1 और 17। अब देखिए इन दोनों में से 13 और 17 को कौन, 1 अगर मैं ले लेता हूं तो यही 1 13 को भी डिवाइड कर देगा और 17 को भी, लेकिन ये 13 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, 13 और 17 को। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहां पर कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और एक ही फैक्टर है, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है, ये P के जगह पर है और ये Q के जगह पर है। तो ये हम कहेंगे कि 13 और 17 को प्राइम है तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर होने के लिए को प्राइम का होना जरूरी है कि P और Q जो हमने लिया है वो आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इसको और भी एग्जांपल लेके हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं 15/10, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 15 और 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर सकता है और इसी 15 इसी 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो 5 भी कर सकता है और इसी 15 इसी 10 को और कौन डिवाइड कर सकता है, तो अब ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहां पर देखिए कॉमन फैक्टर 1 है और 5 है, तो कितने कॉमन फैक्टर आ गए, 2 कॉमन फैक्टर आ गए, 1 और 1, जबकि कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए और वो भी कौन, 1, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, और जबकि यहां पर 2 कॉमन फैक्टर आ गया, 1 और 5। And that's why 15/10 is not a rational number. अब जैसे यहां पर देख लें 19/13 अगर मैं ले लेता हूं, अब देखिए कि 19 और 13 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, तो 1 क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 19 को भी डिवाइड कर सकता है, 13 को भी कैसे कर सकता है, और तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। तो हम कहेंगे कि 19 और 13 को प्राइम हो गए, तो जब ये को प्राइम हो गया इट मींस कि ये रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर 3/9 मैं ले लेता हूं, आप देखिए 3 और 9 दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है, 1, और कौन कर सकता है, 3। तो अब यहां पर देखिए क्या ये को प्राइम बन पाया, नहीं बन पाया। को प्राइम बनने का कंडीशन क्या था कि सिर्फ एक 1 ही होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये 3/9 को प्राइम नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर भी नहीं है। सो यहां तक हम लोगों ने ये सीखा कि रैशनल नंबर होने के लिए कि
किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए when q is not equal to 0 और pq को co-prime होना चाहिए। pq क्या होना चाहिए? co-prime होना चाहिए और ये pq integers होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, सबसे पहले तो हमारा ये काम होगा कि हम इसे रैशनल नंबर मान ले, ऐसा हमें करना होगा। तो लेट हमने ऐसा सपोज कर लिया कि जो हमारा रूट 3 है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते थे? a by b के फॉर्म में। यानी कि अगर कोई भी नंबर a by b के फॉर्म में लिखा है या p by q के फॉर्म में लिखा है तो हम ये कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। तो हमने इस रूट 3 को a by b के इक्विवेलेंट कर दिया और ऐसा मान के चल रहे हैं कि चलिए ये रैशनल नंबर है। अब क्या करना होता है कि अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड्स अब हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। तो रूट 3 का हम लोग यहां पर स्क्वायर कर देंगे और a अपॉन b का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली जो हमें मिलेगा, इधर मिल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करने पे 3 और ये हमें मिलेगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान देना होगा, अभी जैसे आप मैथमेटिक्स करते हैं वैसे ही करना होगा। दैट इज़ कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि b को हम इधर ला सकते हैं, तो मेरा हो जाएगा दैट इज़ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये तो हो सकता है हमारा। अब थोड़ा यहाँ पर हमें ध्यान देना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब यहीं से आपको ये थ्योरम जो है अप्लाई करना है। थोड़ा यहाँ पे देखिए कि अगर p हमारा कोई प्राइम नंबर हो तो ये p जो प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स कि यहाँ मेरा प्राइम नंबर कौन है? तो यहाँ पे मेरा प्राइम नंबर 3 है और ये कह रहा है कि ये a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जो हमारा 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। और यही 3 जो है जब ये इसको डिवाइड करेगा तो थोड़ा सा इक्वलाइट डिवीजन लेमा आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थ्योरम लगा रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो प्राइम नंबर हमारा यहाँ पे कौन है? 3 है और ये 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। a स्क्वायर की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यही p जो है a को भी डिवाइड करेगा, तो फर्दर हम बढ़ते हैं कि ये जो प्राइम नंबर है, ये जो p प्राइम नंबर है वो a को भी डिवाइड कर देगा और a स्क्वायर को भी। तो प्राइम नंबर यहाँ पर हमारा कौन है? 3 है। तो जब ये 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही 3 a को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमने क्या लगाया? थ्योरम लगाया। अब यहाँ पर थोड़ा आपको इक्वलाइट डिविजन लेमा को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर फोकस थोड़ा सा करा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऐसा करते थे कि 3 और 9 कुछ ऐसा होता था और इसको जब हम डिवाइड करते थे तो ऐसा होता था। तो हम करते क्या थे कि 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे 3 टाइम्स, 3 इस फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर भी काम करना होगा कि अगर हम a को 3 से डिवाइड करते हैं, तो a को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा तो हम इक्वलाइट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज कि a इज इक्वल टू 3q, मतलब कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर मिला तो हमने 3q ले लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है आपको। ओके, तो हमने इस तरह से यहाँ पर ले लिया। अब हमें क्या करना होगा? अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इन दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a का स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा
इज इक्वल टू, और 3q का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9q स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा नोट कीजिए कि a स्क्वायर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ वाला पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि a स्क्वायर किसके बराबर है 3b स्क्वायर के जगह पर, तो हम a स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देंगे, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब देखिए इस 3 से हम इस 9 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए इसी पॉइंट को फिर से रिपीट कीजिए, ये जो हमारा थ्योरम है इसको रिपीट कीजिए। बोल क्या रहा है कि p कोई एक प्राइम नंबर होगा और ये प्राइम नंबर जो होगा वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे प्राइम नंबर मेरा कौन हुआ, 3। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यही p किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो यही 3 किसको डिवाइड कर रहा है, b को। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमारे पास दो तरह के नंबर यहाँ थे, a और b। a को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। b को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर a को डिवाइड करने वाला 3 है और b को भी डिवाइड करने वाला 3 है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आया, मतलब a और b इन दोनों को डिवाइड करने वाला यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आया वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। जबकि रैशनल नंबर होने का कंडीशन क्या था कि कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए था और कुछ भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 ना आकर के आया 3 आया। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो आपने रूट 3 को ये बताने की कोशिश किया कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत है, क्योंकि a का हमने देखा और b का कॉमन फैक्टर निकाल के देखा तो वो 3 आया, जबकि आना चाहिए था सिर्फ 1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ये जो है रैशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट नहीं हो पाया, सो हम कहेंगे कि रूट 3 रैशनल नंबर नहीं है। तो दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि जो रूट 3 है वो इरैशनल नंबर है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरैशनल नंबर कहा करते हैं। ये भी एक तरीका है इसका एक्सप्रेशन करने का। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं ताकि आपके पॉइंट्स और बेटर ढंग से क्लियर हो सके। अब देखिए हमें रूट 2 को ये साबित करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो किस कॉन्सेप्ट से ये साबित करना है, तो इसे भी हमें ये कॉन्सेप्ट से साबित करना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर नहीं है इसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, तो इसके लिए हमें यह बताना होगा कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या बताया कि हमें पहले ऐसा मान लेना होगा कि जो हमारा रूट 2 है वो रैशनल नंबर है, यानी कि a बाई b के फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखा जाता है। अब हमें क्या करना होगा, इसको स्क्वायरिंग करना होगा बोथ साइड्स, तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर और a अपॉन b का स्क्वायर ये हम लोग कर लेंगे। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और इसका a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए हम इसको यहां पर लेके जाएंगे, दैट इज 2b square is equal to a square। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या बोलता है कि p कोई प्राइम नंबर है, तो p जो है जो प्राइम नंबर वो a square को डिवाइड कर सकता है, तो प्राइम नंबर हमारा कौन है यहाँ पर, 2 है। तो इट मीन्स कि 2 डिवाइड कर रहा है a square को, ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये बोलता है कि यही p किसको डिवाइड कर देगा, a को,
मतलब कि यही प्राइम नंबर a को डिवाइड कर देगा, तो 2 डिवाइड बाय a, ऐसा हुआ। अब हमने ये भी बताया कि जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते थे, इक्वलाइट डिवीजन लेमा भी आपको यूज़ करना होगा कि अगर आप ऐसा किसी को डिवाइड करते थे कुछ ना कुछ तो इधर आएगा ही आएगा, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q। अब इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना होगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर, ये हमारा हुआ। अब देखिए क्या a स्क्वायर का वैल्यू हमें पहले से पता है, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 2b स्क्वायर को रख देंगे। अब हमारे पास 4q स्क्वायर हुआ। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखिए कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरम आपने पढ़ा इसे फिर से लगाइए। अब इसमें क्या देखते हैं कि कोई प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और यही प्राइम नंबर विदाउट स्क्वायर वाला को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 डिवाइड्स बी। तो देखिए यहाँ पर ए को कौन डिवाइड कर रहा है, सबसे पहला वो हमें देखना होगा। तो देखिए ए को डिवाइड करने वाला 2 और बी को भी डिवाइड करने वाला 2, तो ये दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला 2 ही है, मतलब कि कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 नहीं है, बल्कि कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो हमने एजुप्शन किया था कि रूट 2p बाई या a बाई b के फॉर्म में जो कि रैशनल नंबर है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आ रहा है, इसीलिए ये आपका रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, तो इसके लिए ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है कि ये हमारा इरैशनल नंबर है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। रूट 5 को हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रूट 5 को सबसे पहले हम लोगों को रैशनल नंबर दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है a बाई बी के फॉर्म में। अब हम लोगों को दोनों साइड स्क्वायरिंग करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर और a अपॉन b का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को 5 मिलता है, और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मिलता है। उसके बाद ये b हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब जैसा कि थ्योरम है, तो थ्योरम में हम लोगों को क्या करना होगा कि जो प्राइम नंबर होता है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। अब देखिए कि जब हम 5a को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें एक वैल्यू जो है वो मिलेगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिलने वाला है, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है
फाइव क्यू। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है, अब इसको हम लोग यूज करेंगे तो ए स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, ये दैट इज 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर। अब ये 5 25 को कैंसिल कर देगा तो बनेगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब ये 5 जो है ये प्राइम नंबर हुआ, सो ये 5 किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को, और यही 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को। सो यहां पर देखिए कि ए को डिवाइड करने वाला कौन है 5 और बी को डिवाइड करने वाला कौन है 5। सो यहां पर कॉमन फैक्टर ए और बी के लिए कौन है 5, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसलिए ये जो हमारा है ये रैशनल नंबर नहीं है। सो ये हमारा इरैशनल नंबर प्रूफ होता है। अब हमें 3+2√5 को इरैशनल साबित करना है, तो अब हम लोग इसको किस ढंग से करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम 3+2√5 को मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर a अपॉन b है। अब क्या करेंगे, हम 2√5 को यहीं पे रहने देंगे और ये जो 3 है जब a अपॉन b ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होके हमारा इधर चला जाएगा। सो a अपॉन 2b -3/2। तो यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका a है b है 2 है 3 है ये तो आपका रैशनल नंबर है, या हम टोटली कहें कि ये तो पूरा रैशनल नंबर है, लेकिन ये मेरा इरैशनल नंबर है जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले भी इसको प्रूफ कर लिया है। सो हम कहेंगे कि सिंस रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है, इसीलिए ये जो आपका टोटल एक्सप्रेशन है ये भी आपका इरैशनल नंबर होगा। तो फाइनली आपको आंसर इस बात पे लिखना होगा, सिंस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर दैट्स वाई 3+2√5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो 5-√3 है उसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है, और उसके बाद हम लोग इसमें इस प्रकार से 5 माइनस ये इसको इधर लेके आएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और रूट 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये तो रैशनल नंबर इंडिकेट कर रहा है, बट हमें जैसे कि बहुत पहले ही पता है कि रूट 3 क्या है, इरैशनल नंबर है। सो रूट 3 इरैशनल नंबर होने के कारण ये पूरा जो एक्सप्रेशन है आपका वो इरैशनल साबित होगा।